एग्योक न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम आए हैं पुणे में, और पुणे में आए हैं मनजोत जी के पास, जो पोल्ट्री में 10-12 साल का अपना अनुभव रखते हैं। और हमारा पुणे में मेनली आने का मकसद है कि हमारे पास बार बार क्यूरीज आती रहती हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग का समाधान क्या है, क्योंकि पिछले साल मुझे नहीं लगता कि ब्रॉयलर फार्मर ने फ़ायदा उठाया है या फिर उनको मुनाफा हुआ है। एक तो फीड की इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ जाना, एंड उसके साथ साथ सही दाम ना मिलना सही समय पर, तो बार बार ये सवाल उठता रहा है इंडस्ट्री में कि इसका समाधान क्या हो। तभी हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आप सब लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ, इसका समाधान एग्जिस्ट करता है। मनजोत जी से कई दौर की वार्ता हुई, कई बार बार वार्ता हुई, उस चीज़ को समझा, अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद आज हम इनके मुंह से ही जानेंगे कि क्या समाधान है ब्रॉयलर फार्मर का और क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई इन्होंने किया। तो मेरे साथ मनजोत जी हैं। मनजोत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं एग्योक न्यूज़ में। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आज आपने हमारे को दर्शकों से कनेक्ट किया। एंड बिल्कुल सही बोला कि जो आप 2 साल में समस्या आई है, ये सिर्फ 2 साल की नहीं है, पहले भी आई है, बट ये अब 2 साल में थोड़ा उभर के आई है। एंड मेरा 10-12 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है, और हमेशा की ये बात रही है, ये आज की नहीं है, कि जब आदमी एक पोल्ट्री फार्मर जो है फ्लॉक डालता है, उसको ये नहीं मालूम कि जब तक वो बेचेगा उसका प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, और लॉस में बेचेगा कितना लॉस होने वाला है। ये एक किस्म का जुआ ही है, समझिए इसको। तो उसको ये गारंटी कैसे मिले आज फार्मर को कि भाई इतना फ्लॉक डाल रहे हैं, बेचने के टाइम मेरे को एटलीस्ट और कुछ नहीं तो प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो, इसकी कोई आज की डेट में गारंटी नहीं है। पर इसका कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए, और वो सोल्यूशन के लिए जो मेरे नज़रिए से दिखता है वो एक ही है, थोड़ा इंडिया को बदलना पड़ेगा। इंडिया जो है आज भी 90% 85-90% लाइव बर्ड मार्केट है, ठीक है ना। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है एज अ कंट्री, एज अ नेशन, कि हम चिकन को प्रोसेस करके, ब्लास्ट फ्रीज करके उसको स्टोर कर सकें, पूरे देश की कैपेसिटी नहीं है आज। इसलिए जब प्राइस नीचे जाना शुरू होता है तो कोई बाइंग सपोर्ट आती नहीं, कि प्रोसेसर्स इतने हैं नहीं जो खरीद के प्रोसेस कर सकें। जिनके पास कैपेसिटी है वो अपना जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज भर देते हैं, और फिर प्राइस जब सही आता है, दाम मिलता है उनको, वो मार्केट में निकाल देते हैं। बट अगर वो प्रोसेसर कर सकते हैं तो ये पोल्ट्री फार्मर क्यों नहीं, जिनका सबसे ज़्यादा लॉस तो आपका ही होता है, पोल्ट्री फार्मर का ही होता है, तो इन आप लोग क्यों नहीं ये स्टेप लेते कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी ही की तरह उसको अगर ट्रीट करा जाए और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी जाए, ताकि आप जो है चिकन को पेरिशेबल से सेमी पेरिशेबल करके, प्रोसेस करके, अगर आपको अच्छा दाम लाइव का मिल रहा है बेहतर है, मार्केट में बेचिए। नहीं मिल रहा, मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि लॉस में बेचना पड़ रहा है, उस टाइम आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, आप उसको प्रोसेस करो और कोल्ड स्टोरेज में करके डालो। ये बाइंग सपोर्ट सर आएगा देश में, तभी ये जो वेरिएशन हो रही है प्राइस की, ये रुकेगी। और ये आज की डेट में हर साल इसकी जो रिक्वायरमेंट है ये उभर के आ रही है, और ये फ्यूचर इसी का है। बाकी देश देखें वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में आगे हो गए हैं, श्रीलंका भी 70-80% अपनी प्रोसेस्ड मार्केट है उनकी, इंडिया अभी भी 10 डिजिट, लो डबल डिजिट में घूम रहा है। तो इसको चेंज होना पड़ेगा, इसको वेट मत करिए कि कोई और आपके लिए चेंज करेगा, गवर्नमेंट आपके लिए सोचेगी, आप लोग खुद ये मिलके स्टेप ले सकते हैं, ठीक है, अपना नुकसान खुद बचा सकते हैं। हर बार मैंने कई बार बात करी है फार्मर से, कहते हैं सर करोड़ों का नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। अरे ये तो आता रहेगा, ये तो होता रहेगा, ये अब होगा, 2 साल बाद फिर कुछ ही बहाने से रिपीट होगा, कभी बर्ड फ्लू से रिपीट होगा, ये आपको एक तरह का इस चीज़ में सर घुसना ही पड़ेगा। एंड जितना करेंगे, जल्दी करेंगे, उतना ही आपके ये जो साइकिल से आप जो है ऊपर नीचे के आप निकल सकेंगे। इसमें हम सर मशीन्स वगैरह बनाते हैं, एंड एग्योक का हमारा कैसे मेलजोल हुआ कि ये नॉर्थ के स्पेशली एरिया में आपको फंडिंग चाहिए, ज़मीन चाहिए, आपके क्लियरेंसेस चाहिए, लाइसेंस चाहिए, इसमें जो है एग्योक का योगदान रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग हम करके देंगे, मिलके हम बेसिकली ये इंडस्ट्री को, नॉर्थ को, फार्मर्स की सपोर्ट में जो भी हम लोग स्टेप ले सकते हैं, हम सोल्यूशन देना चाहते हैं।
हमेशा से ही प्रयास रहा है कि जो कतार में खड़े उस छोटे से छोटे फार्मर को फ़ायदा होना चाहिए और किसी का भी नुकसान इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए अगर इसकी बेहतरी चाहते हैं। तो मंजोत जी, आपने जिक्र किया एक तरीके से आने वाले टाइम का, तो आप क्या देखते हैं? जैसे श्रीलंका का एग्जांपल आपने दिया, तो एक्सेप्टेंस है इस चीज़ की, लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इसको, या फिर आप भविष्य कैसे देखते हैं जो फ्रोजन चिकन की आप बात करें कि इसको सेमी पेरिशेबल बनाया जाए? सर, एक्सेप्टेंस ये है कि ये जो कोविड का दौर आया है पिछले 1.5 साल 2 साल में, इसमें एक चीज़ तो 100% आई है कि ऑनलाइन को, शॉपिंग को, ऑनलाइन ख़रीदारी को बहुत बहुत प्रोत्साहन मिला है। काफ़ी लोग जो नहीं करते थे उन्होंने भी शुरू किया। ठीक है, पहले जो था कि लाइव जाके हमको देखना है हम करेंगे, वो एक किस्म का एक्सेप्टेंस आई है। कोविड के इस 2 साल में हाइजीन पे बहुत फोकस आया है, साफ़ सफाई, हाइजीन, ये तो इसमें भी ये प्लांट हेल्प करता है। फिर एक और बहुत बड़ी बात है कि वेस्ट को, जो आपका जो पोल्ट्री वेस्ट है, जो भी आपका प्रोडक्शन में वेस्ट होता है प्रोसेसिंग में, उसको भी, वो भी आपके सिस्टम में वापस आता है, उससे भी आप पाउडर वगैरह बना के वो वापस आपका पेट फूड इंडस्ट्री में आ जाता है, फिश फीड में आ जाता है। सो इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। और आने वाले साल में सर, ऐसा है कि जो मेरा मानना है, जो आप कस्टमर को दोगे वही बिकेगा। तो बेसिकली इसकी जितनी विजिबिलिटी बढ़ेगी, जितने प्लांट, जैसे आज का दौर आ गया है, बहुत प्लांट, बहुत तेज़ी से ये चेंज हो रहा है और ये एक किस्म का ट्रेंड है, आगे आगे इसी का ट्रेंड है। और ये ट्रेंड है जो कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज करेगा। आज कंज्यूमर बिहेवियर ऑलरेडी कोविड की वजह से थोड़ा चेंज हो चुका है, ऑनलाइन बाइंग आ गई है, चिकन की ब्रांडिंग शुरू हो गई है। ऑल दिस इंडिकेशन कि आगे ट्रेंड जो है ब्रांडेड चिकन का आने वाला है। और ये जो आप प्लांट्स वगैरह का हम बात कर रहे हैं, ये इसी ट्रेंड को सपोर्ट करेगा। और जैसे जैसे और सपोर्ट मिलेगी, एक तरह की आप कह सकते हो पूरा वेव आएगी, और बहुत जल्दी हम उस कतार पे हैं आज के, बहुत जल्दी जो बाइंग ट्रेंड है, कंज्यूमर बिहेवियर है इंडिया का, बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। ऑलरेडी हो रहा है, ऑनलाइन आपके सेलिंग मीट वगैरह है बहुत कॉमन हो गई है, लिशियस है, फ्रेश। पहले ये ब्रांड नहीं थे, ये ऑलरेडी आ गए हैं मार्केट में, सक्सेसफुल हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं सारे, दे आर डूइंग गुड बिजनेस। सो इट्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बस अब ये और जो है ये ट्रेंड जो है बड़ा ही होगा। एंड सूनर और लेटर, आज या कल, ये चीज़ ही इंडिया को, फार्मर्स को हेल्प करेगी। और कोई हेल्प, आप जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करोगे सर, कोई और बाहर आके आपकी क्या हेल्प करेगा? आपको अपनी हेल्प करनी ज़रूरी है, आपको अपना इंश्योरेंस लेनी ज़रूरी है। आज आप फ्लॉक डाल रहे हैं, आपको ये होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, या तो मेरे को अच्छा प्राइस मिलेगा, नहीं तो मैं प्रोसेस करके फिनिश गुड बेचूंगा। रिटेल में प्राइस चिकन का नहीं कम होता, इतना ऊपर नीचे नहीं होता, पर लो लेवल पे, आपके जो फार्म लेवल पे बहुत फ्लक्चुएशन होती है। रिटेल लेवल पे कभी वो बेनिफिट जो होता है रिटेलर को नहीं जाता सर। सो वो आपको बीच में, बीच वाले सेगमेंट में आपको सूनर और लेटर आना ही पड़ेगा। और ये टाइमिंग बहुत अच्छी है कोविड के बाद वाली, जिसमें कंज्यूमर का फोकस सफाई उसके तरफ और ऑनलाइन ऑलरेडी फोकस आ गया है। ये आपको जो वेव है इसको आपको पकड़ना है और इसमें अपना भी सेफ्टी ढूंढना है। आई थिंक टाइमिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती आज की डेट। ये मैं सभी किसान भाइयों को, जो मंजोत जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है ट्रेंड के बारे में, कई बार जहाँ पे हम लैकिंग बिहाइंड होते, जो किसान भाई है वो लैकिंग बिहाइंड होते, वो चीज़ है ट्रेंड को समझने में कि आने वाला ट्रेंड किस चीज़ का। तो बेसिकली ट्रेंड जो मंजोत जी ने बताया कि आप एग्जांपल के दे के भी बताया कि जैसे लिसियस बताया, तो ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, एक फूड चेन का ट्रेंड आ रहा है, ये हम समझ भी सकते हैं, जो अगर इंडस्ट्री में या फिर जो भी बिजनेस में फूड चेन का ट्रेंड आ रहा है, तो रिटेल से लेके कंज्यूमर तक कैसे पहुँचे उस चीज़ का ट्रेंड आ रहा है। और आगे आने वाले टाइम पे कोई भी आप सामने खड़ा होकर नहीं कटवाना चाहता, तो आने वाले टाइम पे ट्रेंड ही फ्रोज़न का है, और फ्रोज़न चिकन
और ये आपको कहीं ना कहीं बचा सकता है जो आपको लॉस होता है उस चीज़ से। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने, हम बिज़नेस करते हैं तब हम इंटीग्रेशन करते हैं बिज़नेस में, इंटीग्रेट करते हैं बिज़नेस को बेसिकली, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। ये आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन से ही ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है कहीं ना कहीं अपने बिज़नेस को इंटीग्रेट करके। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। आने वाले टाइम पर ट्रेंड ही इसी चीज़ का, अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय हमें बदल देगा और फिर हम बोलते रहते हैं कि हमें नुकसान हो गया। और यही रीज़न था आज मंजोत जी से स्पेशली मिलने का। तो मंजोत जी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा यही है, मेरे को, मैं इस इंडस्ट्री में इतनी साल से हूँ और जब लाइव बर्ड का प्राइस अच्छा होता है तो फार्मर कहता है यार मैं इस चीज़ में क्यों घुसूँ, मेरे को अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है, आराम से बैठे बैठे मिल रहा है। और जब लाइव बर्ड क्रैश हो जाती है फिर उनसे बात करो तो कहता है सर पता नहीं ये कब तक रहने वाला है, कितना मेरे को रोज़ का लॉस हो रहा है, पहले इससे निकलने दो फिर मैं सोचूंगा। फिर जब तक वो निकलता है फिर कहता है सर मेरे को तो अभी बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अभी मैं देख चलने दो। तो क्या होता है, आदमी बस इसी में होता है कि लॉस हो रहा है तो पहले निकलने दो, फिर जब प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बैठे बैठे मेरे को कमाई हो रही है तो मैं इस चीज़ को क्यों करूँ। तो क्या है कि सर आप अकेले नहीं हो, मेरा यही मानना है, ठीक है ना, हम लोग आपकी सपोर्ट में हैं, ठीक है ना। आपकी जो रेगुलेटरी और फंडिंग इश्यूज़ वगैरह हैं वो आयोग संभालेगा, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट वाली है वो हम करेंगे, हम मिलके चाहते हैं। बेसिकली आवर ऑब्जेक्टिव इज़ के फार्मर्स को समझना है कि ये चीज़ आपके ही हित में है। आज रूट कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन लाइव बर्ड क्रैश होने का यही है कि प्रोसेसिंग मार्केट बड़ी नहीं है जो आपको नीचे गिरते हुए प्राइसेस को पकड़े, प्रोसेस करके चिकन को स्टोर करे। और इसमें सिर्फ फ्रोज़न नहीं है, आपको रोज़ का फ्रेश चिल्ड मिलता है, बट अगर आपको उसको स्टॉक करना है फ्रोज़न करके, इंस्टीट्यूशनल सेल्स वेल्स ये आर्मी की जितना भी है सारी बाइंग फ्रोज़न की होती है। आपको कंपल्सरी ये नहीं है कि लोगों को फ्रोज़न ही देना है, वो अगर आपको स्टोर करना है, एक्सेस प्रोडक्शन है आपको मार्केट ने, तो फ्रोज़न कर सकते हैं, वरना जो आउटपुट मिलेगा इनसे वो आपको फ्रेश चिल्ड ही मिलेगा, हाइजीनिक चिकन, गुड चिकन। प्रोसेस में ही हम लोग उसको 0 से 4 डिग्री चिल्ड कर देते हैं, उसका बैक्टीरिया जो है वहीं पे प्रोपोगेशन जो होती है वहीं पे अरेस्ट हो जाती है। इससे अच्छा क्वालिटी का चिकन आप मैनुअली नहीं कर सकते, एंड वेस्ट का भी आपको फ़ायदा मिलता है, वेस्ट कलेक्शन से भी आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी, इट्स आज का ट्रेंड है। आज के जितने यंगस्टर्स, नई पीढ़ी है, वो सारे ऑनलाइन मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर कंफर्टेबल विद बाइंग ऑनलाइन, नोबडी वांट्स टू विजिट अ शॉप फॉर बाइंग। आज का जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा है, कभी ना कभी सर हमको भी 70-80% प्रोसेस्ड मार्केट में पहुँचना है, बट उसके लिए ये ज़रिया है। एंड आप जितनी जल्दी इसको समझें, जितना जल्दी अपना ब्रांड लॉन्च करें, ब्रांडिंग करें, फर्स्ट मोर एडवांटेज पक्का मिलेगा। ब्रांडेड चिकन इज़ द फ्यूचर ऑफ सेलिंग चिकन इन इंडिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजोत जी आपका समय देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और जो जानकारी आपने दी है वो पहुँची होगी। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इसके बाद हम एक वीडियो और आपको दिखाएंगे कि इस वीडियो के बाद वो जरूर देखना, वो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बता रहे, वो आपको प्रैक्टिकल एक बार जाके दिखाएंगे कि कैसे चीज़ें बन रही है और कैसे प्लांट दिखता है जो चिकन प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।